अपन डीएनए के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम आगे पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल ये किसने दिया था, यही आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में, फ्रैंकल कॉन्टैक्ट एक वैज्ञानिक थे, ने आरएनए को डीएनए के भांति ही आनुवांशिक पदार्थ सत्यापित किया। फ्रैंकल कॉन्रैड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जैसे डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, ऐसे ही आरएनए के बारे में संरचना दी आरएनए की, और आरएनए के बारे में बताया कि यह आनुवंशिक पदार्थ होता है, और आरएनए सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, सामान्यतः चार प्रकार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आरआरएनए, एमआरएनए, सेकंड आरआरएनए, थर्ड टीआरएनए, फोर्थ एसएनआरएनए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बस 3 3 है, मेनली हमको यही पढ़ने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे। एमआरएनए एमआरएनए की मात्रा कोशिका में 5% होती है। एमआरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन की क्रिया के द्वारा केंद्रक में होता है, ये सारा प्रोसीजर। होता है एमआरएनए सूचनाओं को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर करता है। जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए की मात्रा कोशिका में ओनली 5% होती है। एमआरएनए का निर्माण किसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है? एमआरएनए का निर्माण किसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है? एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन के प्रक्रिया के द्वारा किस में होता है? केंद्रक में होता है। केंद्रक में होता है। एमआरएनए सूचनाओं को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर करता है। अब इसकी संरचना अपन देखेंगे। जो एमआरएनए होता है उसकी बस एक स्ट्रैंड होती है, जबकि डीएनए में डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है। ये 5' और ये 3', ये 5' 3'। 5' से क्या होता है? MGC, और इसमें होता है ए ए ए। ठीक है, अब इसमें MGPP का मतलब क्या है? मिथाइल गुआनोसाइन।
मिथाइल गुआनोसाइन, MCPP का मतलब है मिथाइल गुआनोसाइन की पॉली चेन होती है, लंबी चेन होती है ये MG कैप कैप होती है। अब इसका यूज RNA में कहाँ होता है, क्यों होता है इसका यूज, वहां पे कैपिंग। अब इसका यूज ये होता है कि जो कैप होती है वो अनुलेखन के समय राइबोसोम होता है, जैसे अनुलेखन होता है तो RNA के स्ट्रैंड पर अनुलेखन होगा तो जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई आती है उसके जुड़ने के लिए संधि स्थल का निर्माण करती है, संधि स्थल बनाती है। अब इसको अपन लिख लेंगे MC कैप का यूज यूज कैप अनुवादन के समय कैप होती है, वह अनुवादन के समय कैप अनुवादन के समय राइबोसोम की बड़ी उप इकाई को संयुक्त करने के लिए संधि स्थल प्रदान करती है। ठीक है, जैसे अनुवादन होता है, अनुवादन से जो अनुवादन में जो mRNA से प्रोटीन बनती है तो उसमें छोटी उपकाई नीचे जुड़ती है, जो बड़ी उपकाई होती है वो ऊपर जुड़ती है, जो बड़ी उपकाई जुड़ेगी वो जो 5' वाले सिरे से इस स्थान पर जुड़ेगी कैपिंग वाले स्थान से, और जो बीच वाला पार्ट होता है अपन का ये संरचनात्मक भाग होता है। अब इस संरचनात्मक भाग में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है इस संरचनात्मक भाग में, इस संरचनात्मक भाग में इसमें प्रोटीन होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, एंजाइम की लंबी श्रृंखला होती है जो कि मतलब सूचनाओं से निर्मित होते हैं, एमिनो अम्ल की श्रृंखला का निर्माण होता है जो कि संरचनात्मक भाग। संरचनात्मक भाग में प्रोटीन और एंजाइम्स और एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखला, एमिनो अम्ल की श्रृंखला के निर्माण की, जो वो कैसे निर्माण होगी इसकी सूचना निहित होती है इसमें। इसमें प्रोटीन, एंजाइम्स, एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखला चैन के निर्माण के लिए सूचनाएं निहित होती हैं। मतलब कि प्रोटीन कैसे बनेगा, एंजाइम कैसे बनेगा, एमिनो अम्ल कैसे बनेगा, जैसे उनकी प्रोलिन होता है, ग्लाइसिन और ये सारे एमिनो अम्ल होते हैं, ये कैसे बनेंगे, इसकी जो सूचना होती है इसके संरचनात्मक भाग में होती है। और ये ए ए ए ए ये क्या है, ये पॉली ए टेल है, ये पॉली ए टेल है जो कि ये कितने पॉली ए टेल होती है, इसमें जो श्रृंखला होती है 150 से 200 एमिनो अम्ल की एमिनो जो इसकी श्रृंखला होती है 150 से 200 एडेनिन क्षार की लंबी श्रृंखला होती है। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो अनुलेखन होता है, जब
अनुलेखन का मतलब जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, अनुलेखन के समय यह एमआरएनए को स्थायित्व प्रदान करती है, मतलब कि अनुलेखन समय एमआरएनए को स्थायित्व प्रदान करती है। और इसमें हम फिर से देखेंगे जो एमआरएनए की मात्रा होती है कुछ कम 5% होती है। एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन की क्रिया के द्वारा केंद्रक में होता है और एमआरएनए सूचनाओं को जो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करता है। और इसमें ना आरएनए की बस एक चेन होती है, आरएनए में बस एक स्ट्रैंड होता है आरएनए, जबकि डीएनए जो होता है डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। इसमें 5' 3' 5' सिरे पे एमजीपीपीबी होता है, जबकि 3' सिरे पर पॉली ए टेल होती है। जो इसमें एमजीपीपीबी ये क्या होता है, मिथाइल गुआनोसाइन एमजी कैप होती है, ये कैपिंग होती है। इसमें कैप अनुवादन के समय राइबोसोम की बड़ी इकाई को संयुक्त करने के लिए संधि स्थल प्रदान करती है। अनुवादन क्या होता है, अनुवादन होता है आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसमें जो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा तो जो इसकी छोटी इसकी जो सतह है नीचे वाली सतह पर तो छोटी उपकाई होती है, छोटी उपकाई जुड़ती है आरएनए की, जबकि भारी ऊपरी सतह पर बड़ी उपकाई आरएनए की बड़ी उपकाई जुड़ती है। तो इसको संयुक्त होने के लिए स्थान प्रदान करता है, ये 5' सिरे पर होता है। और जो संरचनात्मक भाग होता है इसमें प्रोटीन एंजाइम एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखला के निर्माण के लिए सूचनाएं निहित होती है। और जो इसमें जो ये कितने का होता है, ये जो पॉलीटेल होती है ये 150 से 200 एडेनिन क्षार की लंबी श्रृंखला होती है। यह अनुलेखन के समय एमआरएनए को स्थायित्व प्रदान करती है। अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन होता है जो डीएनए होता है डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया एमआरएनए के निर्माण की। अब इसमें एक पॉइंट और रह गया, इस एक पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं। इसका जो एक पॉइंट है ये एमजी कैप का, जो एमजी कैप एमआरएनए की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित रक्षा करता है। जो एक कैपिंग होती है इसके मिथाइल गुआनोसाइन वाले सिरे पे एक कैपिंग होती है। जो एक कैपिंग होती है वो एमआरएनए की संरचना में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो किसी भी स्ट्रैंड को तोड़ देता है। ये एंजाइम डीएनए के लिए भी काम करता है, आरएनए के लिए भी काम करता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोशिका द्रव्य में इसकी रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ तक अपन का जो टॉपिक हो गया आरएनए। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए। ठीक है।